हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोहा कतर में डिप्लोमा मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की सैलरी कितना हो सकता है और कितना कमा सकते हैं दोहा कतर में डिप्लोमा मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की कितना होता है प्राइस। सैलरी की बात करेंगे यहाँ, काम की बात करेंगे यहाँ, कंपनी की बात करेंगे यहाँ और कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है इसके बारे में बात करेंगे यहाँ। डिप्लोमा मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग का जैसे कि दोस्तों पहला सेकेंड राउंड और जैसे कह सकते हैं बी और सी, इसमें होता क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं। किसी अच्छे स्कूल कॉलेज से जब हम डिप्लोमा मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की कोर्स या चाहे कह सकते हैं पढ़ाई तैयार करते हैं तो हमारे अच्छी स्कूल के होने के वजह से जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो तीन तरह की पढ़ाई होती हैं इसमें हम थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि क्लास ए में जो अच्छा बेहतरीन तरीके से जैसे कि किसी भी स्कूल कॉलेज से विदेश से अटैच होता है और विदेश कंट्री से उस कंपनी से और उस स्कूल से टच रहता है तो कोई भी मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग यदि कतर कंट्री में जाता है तो एक अच्छा खासा इनकम और पैसा कमाता है। जिनकी सैलरी की बात करें, यदि आप कतर में जाते हैं मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा या चाहे डिप्लोमा किए हैं ए क्लास से, तो उसे हाई क्लास माना जाता है। जैसे कि कोई भी किसी भी क्लास से किसी भी स्कूल से जब कंपनी विदेश से अटैच रहता है तो मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की सैलरी यदि स्कूल से जाता है तो उसकी सैलरी लगभग 4000 रियाल या चाहे 5000 रियाल चाहे 6000 रियाल बनता है डायरेक्ट कंपनी से जुड़े रहेगा। तो अब यहाँ आ जाएं मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की सैलरी, यदि मान लीजिए वी क्लास से बिलोंग करते हैं जैसे कि मिडिल क्लास से या चाहे कह सकते हैं कम कंपनी से अटैच होता है जिनमें सैलरियाँ दोस्तों आप पा सकते हैं कम से कम 20 रियाल मतलब या चाहे 2000 रियाल से लेके 2500 रियाल तक मिलता है फर्स्ट टाइम में इंजीनियरिंग जो बन के दोहा कतर में जाता है तो लगभग इतना मिलता है और वह बी क्लास से बिलोंग करता हो। अब यहाँ बात जाए बी क्लास क्या होता है। जैसे कि दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं चाहे इंटरव्यू या चाहे कोई भी ऐसे फंक्शन में हम जब भाग लेते हैं तो हमारा एक मेडिकल होता है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखे हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़े हैं, क्या कितना हमें एक्सपीरियंस है, ये बी और ए और सी में अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए ए क्लास टॉपर क्लास में हाई टॉपर क्लास में और जाना माना स्कूल से आप पढ़े लिखे हैं तो ए क्लास में आते हैं, बी क्लास में जो कम लोग मतलब कंपनी से थोड़ा मोड़ा अटैच होता है वो बी क्लास में आते हैं, सी क्लास में वो आते हैं लोग जो कह लिया जाए मोटर मैकेनिक इंजीनियर डिप्लोमा किए होते हैं। जिनको सैलरी की बात करें सी क्लास का, जिनको शुरू शुरू में पगार दोस्तों कह सकते हैं 1500 रियाल से 1800 रियाल कंपनी देती है, ये सी क्लास का है। अब हम बात कर लिया जाए इस कंपनी में जाने के लिए, किसी भी कंपनी में जाने के लिए हमें क्या चीज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक क्लास से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपकी एक्सपीरियंस 5 साल से 4 साल होनी बहुत ज़रूरी है, 5 से 4 साल आपकी एक्सपीरियंस हो मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग का। फिर यहीं बात कर लिया जाए बी क्लास का, बी क्लास में आपकी एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 2.5 साल होना अनिवार्य है। जिनकी सैलरियाँ दोस्तों 200 रियाल मतलब 2000 या चाहे कह सकते हैं 3000 तक रियाल मिलता है, ए क्लास का 4000, 5000, 6000 तक रियाल मिलता है। अब यहीं पर हम बात कर लिया जाए सी क्लास के जो डिप्लोमा किए होते हैं सी क्लास के, उनको सैलरियां दोस्तों मिलता है 1800 रियाल से 1500 रियाल तक मिलता है शुरू शुरू दोहा कतर कंट्री में यदि किसी भी कंपनी में उनको जॉब लगती है तो। अब यहाँ बात कर लिया जाए कैसे हमें पता चलेगा कि हम ए क्लास के हैं, बी क्लास के हैं, सी क्लास के हैं। जिस कॉलेज से ए से मतलब कंपनी से जुड़ी रहती है तो कंपनी और स्कूल के बीच में जिनको लोग विदेश भेजते हैं उनकी सैलरियाँ दोस्तों हाई होती है और जिनको थोड़ा मोड़ा अगर कंपनी से जुड़ी होती है विदेश कंपनी से जुड़ी होती है क्लास तो उनकी सैलरियाँ दोस्तों वही मैक्सिमम 3000 या चाहे 2000 रियाल तक मिलता है। वहीं सी के आ जाए जो एकदम नहीं कंपनी से जुड़े होते हैं विदेश कंपनी से तो उनको 1800 से लेके 1500 के लगभग उनको मिलता है रियाल जो दोहा कतर कंट्री में यदि आप लोग जाना चाहते हैं। अब इंजीनियरिंग की बात हम कर लें,
हमें इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं कि हम सर्टिफिकेट ले लें उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोस्तों। अब हम बात कर लिया जाए, ए बात कर लिए, बी की बात कर लिए, सी बात कर लीजिए। अब हम बात कर लिया जाए, अगर हम एक डिग्री लिए हैं जिसे कह सकते हैं कॉलेज नहीं गए हैं, घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और हम मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हम इंजीनियरिंग की डिग्री बस वैसे ले लिए हैं, तो हमें कभी भी जाना पड़ेगा दोहा कतर में, तो हम कैसे जाएं? इंजीनियरिंग कर लिए हैं, डिग्री ले लिए हैं, और हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कैसे जाएं यदि हम विदेश कंट्री में जाना चाहते हैं? तो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों दिया जाता है कि आप किसी भी अगर कंपनी से स्कूल से जुड़ी नहीं है तो आप कैसे जाएं, इस पे टॉपिक पे थोड़ा बात कर लें। हम आ जाते हैं एजेंट के पास। एजेंट हमसे 1,50,000, 80,000, 90,000 तक डिमांड लेता है कि आपको हम भेज देंगे मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग की जॉब के लिए दोहा कतर में। आपको सैलरी इतना रहेगा, सैलरी उतना रहेगा, मतलब जितना भी आपको बता दें। वहाँ क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ ये दिया जाता है कि यदि हम विदेश कंट्री में किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे जिससे ना स्कूल से संबंध ना कंपनी से संबंध, डायरेक्ट एजेंट के थ्रू हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास एसिनार पासपोर्ट हो। दूसरी नंबर बात, हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए जो एक्सपीरियंस। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मान लीजिए डिग्रियां तो हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री तो कैसे ले लिए हैं, काम नहीं आता है, तो इनको सैलरियां दोस्तों एक हेल्पर के तौर पर दिया जाता है, जिसके कतर में आप इंडिया करेंसी में देखें तो 35,000 से 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं एक हेल्पर के तौर पर। क्योंकि डिग्री लेने से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो गया कि आप इंजीनियर बन गए। यदि आपके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हर चीज़ के स्कूल से टच है, कंपनी से टच है, तो आपकी जो हाई होती है वह बेहतर होती है। बेहतर की मतलब क्या, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी रहना खाना मिलता है, कंपनी अच्छी प्रोवाइड करती है, गाड़ी देती है और आने जाने का सब खर्चा उठाती है, पूरी चीज़ कंपनी उठाती है। यदि आप लोग लो डिग्री से बिलोंग करते हैं और दोहा कतर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं यही जानता हूँ कि आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, एजेंट आपसे इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू कराएगा, इंटरव्यू में यदि आप सक्सेस होते हैं, एक्सपीरियंस है, सक्सेस हो जाते हैं और कहा जाता है लो क्लास से हैं, तो उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप कभी भी दोहा कतर कंट्री में जाते हैं तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि आप एक अच्छा खासा इंजीनियर हैं तो इंडिया करेंसी में 1,80,000 पर मंथली महीने कमा सकते हैं। यदि लो हैं उससे तो कम से कम 50 से 65,000 पर महीने कमा सकते हैं। यदि उससे भी लो हैं तो 35 से 40,000 तक कमा सकते हैं। यदि और भी कोई जानकारी चाहिए दोहा कतर कंट्री के बारे में तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, हम विदेश विदेश कंट्री के बारे में नए नए जॉब एवं नए नए सर्विस देते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद।